हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शकरकंद की खीर या स्वीट पोटैटो खीर। तो बहुत ही सिंपल सी खीर है ये। और ये मैंने शकरकंद लिए हैं, तो ये मैंने छोटे साइज़ के लिए है, इससे बड़े बड़े भी शकरकंद मिलते हैं। तो ये शकरकंद जो है वो मैंने पानी से धो के लिया है, इसके ऊपर मिट्टी होती है, तो बस अभी इसे हमें पका लेना है। तो पकाने के लिए अभी मैं इसे कुकर में इसे डाल देती हूँ। तो बस अभी कुकर में डाल के इसे 2 सीटी हमें होने तक इसको पका लेना है। तो ये छोटे साइज़ के हैं, इसीलिए मैंने 2 सीटी लगा के इसको पका लिया है। तो ये अभी शकरकंद जो है वो पक चुका है, तो इसका जो छिलका होता है वो हम निकाल देते हैं। तो किसी किसी को पता नहीं होता है शकरकंद कैसे होता है या दिखता है, तो उनके लिए मैंने ये पूरा शकरकंद दिखाया है। और ऐसे छिलका इसके ऊपर से निकाला जाता है। तो अभी सारे शकरकंद की जो छिलका है मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए, अभी शकरकंद की जो छिलका था मैंने निकाल लिया है। तो बस अभी इससे हम काट लेंगे और इसके छोटे छोटे हम टुकड़े कर लेंगे। तो अभी मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करने वाली हूँ। इसे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखना है, और इसे मैंने बहुत ज़्यादा पकाया भी नहीं है। आप देख सकते हैं, इसे पूरा मैश होने तक नहीं पकाया है, तो इसे हम काट सकते हैं, इतना मैंने इसे पका लिया है। और इसके हमें छोटे छोटे ही टुकड़े चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखना है। और ये शकरकंद जो है वो अभी मैंने 2 शकरकंद की खीर बनाई है। तो ये शकरकंद का आप इसका कलर भी आप देख सकते हैं, तो इसी कलर की अभी ये खीर बनने वाली है। तो देखिए, ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो कढ़ाई में मैंने अभी 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। और ये कुछ मैंने काजू बादाम पिस्ते और चिरौंजी ली है। तो बस अभी इसे घी में हम भून लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए। तो देखिए, अभी कम आंच पे मैंने ये जो काजू बादाम जो है वो अच्छे से भून लिए हैं। तो बस अभी इसमें हम ये शकरकंद हमने जो काट के रखे हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसे भी थोड़ा सा हम भून लेंगे घी में। तो देखिए, अभी मैंने 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लिया है। तो अभी हम इसमें दूध डाल देते हैं। तो खीर जो है वो आपको गाढ़ी पसंद हो या पतली पसंद हो, उस हिसाब से आप इसमें दूध डाल दीजिए। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा मैंने पतला भी नहीं किया है। तो बस अभी इसे हम कम आंच पे 10 मिनट के लिए इस खीर को हम पका लेंगे। और शकरकंद जो है वो अभी ये थोड़े आपको इस टुकड़े इसके दिख रहे होंगे, पर ये थोड़े से पकने के बाद ये थोड़े मैश हो जाएंगे, तो ये आलू के जैसे ही होते हैं। तो देखिए, अभी ये दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। 5 मिनट के लिए मैंने इसे उबाल लिया है। और इलायची का पाउडर मैंने इसमें डाला है, और 3 चम्मच मैंने अभी इसमें शक्कर डाली है। तो मीठा आपको जैसे पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो शकरकंद जो है वो थोड़े मीठे ही होते हैं, इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाली है। तो देखिए, अभी ये शकरकंद जो है वो थोड़े से अभी हमें मैश करके लेने हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा मैश करके नहीं लेना है, वरना खीर जो है वो गाढ़ी हो जाती है, मतलब हलवे की तरह ये खीर बन जाएगी। इसलिए इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा ही इसे मैश करके लेंगे, ताकि ये खीर जो है वो खीर की तरह लगे। और ये जो आलू की जैसे होते हैं ये शकरकंद, तो इसे बहुत ज़्यादा हम मैश करेंगे तो ये खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो वैसे खीर खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है।
तो अभी मैंने ये शकरकंद जो है वो पहले भी पका लिए थे और उसके बाद भी हमने दूध में भी इसे अच्छे से पका लिया है। तो चम्मच से मैंने थोड़ा सा इसे मैश करके लिया है और देखिए ये अभी ये इतना मैंने इसे मैश करके लिया है। तो ये अभी भी थोड़ा सा आपको पतला दिख रहा होगा, तो बस अभी चम्मच से थोड़ा सा इसे मैंने और मैश कर लिया है। तो ये और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से मैंने ये चम्मच से इसको थोड़ा मैश कर लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आटे के जैसी भी नहीं होता है, इसके टुकड़े भी रहते हैं और ये खीर जो है वो गाढ़ी भी बनती है। तो देखिए ये अभी खीर जो है वो इतनी मैंने गाढ़ी बना ली है। तो बस और थोड़ा 5 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से पका लेंगे और ये किशमिश भी डाल देते हैं इसमें। तो खीर होने के बाद ही आपको किशमिश डालने हैं, पहले से ही खीर में किशमिश मत डालिए। तो देखिए अभी ये खीर जो है वो और मैंने 5 मिनट के लिए पका ली है कम आँच पे, और ये शकरकंद भी अच्छे से अभी ये पक चुके हैं दूध में और ये खीर भी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो ये ठंडी होने के बाद ये खीर जो है वो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा मैश करके शकरकंद को मत डालिए खीर में, वरना ये हलवे की तरह हो जाएगी, मतलब हलवा खा रहे हैं ऐसा आपको लगेगा। तो ये खीर अभी आप दे सकते हैं, इतनी गाढ़ी है और ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इस खीर को बनाइए और ये व्रत में भी आप इस खीर को खा सकते हैं।